हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कई बार पूछा गया था, तो उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हम देखेंगे कि आज राज्य सरकार में शिक्षा की भूमिका या फिर राज्य सरकार की शिक्षा के कार्य कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार कौन से कार्य करे। अच्छा, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब पढ़ाई करते हैं, तो हमें बखूबी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से हमारे एजुकेशन में हमें हेल्प करती है या फिर कैसे एजुकेशन को कंट्रोल करती है, प्लान करती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताना है। फिर उसके बाद हम उस पॉइंट को देखेंगे कि वो कौन कौन से कार्य हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से भूमिका निभाती है, उस पॉइंट को देखेंगे, फिर उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है वीडियो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा वो पॉइंट जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्य क्या हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमिका क्या। करेक्ट, तो आइए। क्या ये कहना पड़ेगा, चले वीडियो को शुरू करने से पहले नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सब तो बात की बातें हैं। हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमने बताया था कि सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, शिक्षा के बारे में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो एक राष्ट्र को सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब शिक्षा के बारे में व्याख्या करते हुए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शहद के दूध की तरह है, जिसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अच्छा, एक सवाल, एक डिबेट यहाँ पे अक्सर आता रहता है समाज में कि यार पढ़ लिख के नौकरी तो होनी नहीं है या फिर बहुत मुश्किल से होनी है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ कार्य किया जाए। देखिए, पढ़ लिख कर नौकरी पाना एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छा नागरिक आप जरूर बन जाएंगे। इसीलिए आपको याद है विकास दिव्य कृति ने कहा था कि क्यों डरे कि जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हालांकि लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, कटाक्ष भी किया था। विकास दिव्य कृति ने कहा था कि एक भले इंसान बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएगा, हालांकि लोगों ने इसका विरोध भी किया था। मेरी राय यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो अगर कोई भी इंसान है आईएएस की तैयारी करता है, वो आईएएस नहीं बन पाया, नहीं बन पाना एक अलग बात है, लेकिन उसको अपने अधिकारों को पता के बारे में इतना जानता है कि कोई उसे दबा नहीं सकता। एक आम आदमी से डरा के कोई भी अगर अधिकारी है, वो एक आम आदमी से डरा के अगर उससे कुछ पैसे वसूलता है, किसी ऐसे बच्चे से डरा के उससे पैसे वसूले जो आईएएस की प्रीलिम्स निकाल चुका हो या फिर मेंस निकाल चुका हो या इंटरव्यू फेस कर चुका हो, आप उसकी योग्यता को समझ सकते हैं? उससे कोई डरा नहीं सकता, वो अपने अधिकारों को जानता है, वो हक के लिए लड़ सकता है, वो दूसरों के हक के लिए लड़ सकता है, खुद की रक्षा कर सकता है, परिवार की रक्षा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है। इसीलिए यह डिबेट करना कि क्यों पढ़ें या फिर पढ़ाई के अलावा भी कुछ देखें, ये बिल्कुल ही गलत है, ये निरार्थक है। पढ़ाई इज द बेस्ट, एजुकेशन इज द बेस्ट। अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बीएड की बात करें, अगर मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट यूपीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया, हाँ ये बात सही है कि लाखों ऐसे युवा हैं जो कि सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई के बाद भी उनको जॉब नहीं लगी, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि वो अच्छे माता पिता बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट शिक्षक बन सकते हैं। तो ये डिबेट ही छोड़ देना कि यार पढ़ाई से नौकरी नहीं लगना तो क्यों पढ़ना, नहीं ऐसी बात नहीं। आप पढ़िए, एजुकेशन को लीजिए, शिक्षा को लीजिए, अपने अनुभव को बढ़ाइए, ये आपके लिए सदैव काम करेगा। तो मैं इस मेथड पर काम करता हूँ। तो शिक्षा को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, देश की समृद्धि उसकी शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर निर्भर करती है। देश कितना समृद्ध होगा, एजुकेशन क्या लेवल है आपका, एजुकेशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या लेवल है, इस पर डिपेंड करता है। भारत में शिक्षा सरकार द्वारा विकसित एवं प्रबंधित की जाती है। भारतीय संविधान में शिक्षा के सभी नागरिकों के अधिकारों में से एक है। शिक्षा जो है ना, वो भारतीय के व्यक्ति के नागरिक ये अधिकारों में से एक है, एजुकेशन राइट एक्ट मतलब 2009। अब ये बच्चे का एक्ट हो चुका है कि उसको पढ़ाया जाए, उसका अधिकार है कि उसको पढ़ाया जाए। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है और वो बच्चा कंप्लेन करता है, तो यकीनन उसके माँ बाप या कोई भी व्यक्ति जो उसके पढ़ाई से उसको रोकता है, वो क्या होगा, अपराधी होगा। तो ये बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा दी जाए। राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित भूमिकाओं को निभाना होता है। तो यहाँ पे आप एजुकेशन को और भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने तरीके से, और भी यहाँ पे शब्दों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिमिटेड रखने की कोशिश करी थी। अब कौन कौन से अधिकार होते हैं बच्चों, देखिए जो दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। तो उन दो पॉइंट्सों में सबसे पहला क्या बच्चों, शिक्षा नीति निर्माण करना।
शिक्षा की नीति निर्माण करना, किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, किस लेवल की शिक्षा होनी चाहिए, कैसे शिक्षा होनी चाहिए, राज्य सरकार ये नीति निर्माण करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर कोई भी स्कूल ये कहता है कि नहीं मैं सर्दियों में सुबह 4 बजे बच्चों को बुलाऊंगा या फिर 6 बजे बुला लूंगा सर्दियों में, तो प्रशासन हमें, राज्य सरकार हमें आदेश देती है, एक टाइमिंग है। और सिलेबस भी आप देखेंगे, जैसे एनसीईआरटी हो गई, तो जब भी राज्य सरकारों की स्कूलों के, राज्य के स्कूलों में एक ही तरह के सिलेबस चलते हैं, ठीक है। सीबीएसई के भी पैटर्न बहुत अलग नहीं होते, वो भी जो आपके इसमें, जो आपके सिलेबस में पॉइंट्स होंगे, हाँ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो शिक्षा के नीति निर्धारण करना, अब इसमें राज्य सरकार को शिक्षा के नीति निर्माण और को निर्माण करना और अमल में लागू करना, ठीक है, की जिम्मेदारी होती है। वे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं, जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसी हो, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कैसी हो, उच्च स्तर पर शिक्षा कैसी हो और विशेष शिक्षाएं कैसी, विशेष शिक्षाएं मतलब टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, प्रशिक्षण स्तर, और भी बहुत सारी विशेष शिक्षाएं होती हैं जैसे कि कला की शिक्षा, कृषि शिक्षा, तो ये विशेष शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए, इसके लिए नीति तैयार करता है और लागू करता है। इसके अलावा वे भी शिक्षा व्यवस्था के संचालन और नियमों को बनाते हैं, तो नियम बनाते हैं और शिक्षा को संचालन करते हैं, कौन, राज्य सरकार, यह उसका प्रमुख कार्य है। दूसरा दोस्तों, दूसरा प्रमुख कार्य की बात करें, शिक्षा की वित्तीय संसाधन, ठीक है, पैसे की व्यवस्था करना, जो भी राज्य सरकार, राज्य स्तरीय विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करना किसका कार्य होता है, राज्य सरकार के कार्य, जो भी उसके कर्मचारी हैं उनको सैलरीज देना, जो भी किताबों की जरूरत हो, मिड डे मील में खाने की जरूरत हो, जो भी चीज़ों की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था कौन करता है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों की प्रबंध करनी होती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थानों के जो भी उपयोगी वस्तुएं होती हैं उनकी। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट एक जगह यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सके, ठीक है, और एक्सप्लेन आपको अपने शब्दों में करते रहना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये क्या है, इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जनतांत्रिक व्यवस्था में, जहाँ पे मतलब लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में, किस शिक्षा के क्या क्या कार्य होते हैं राज्य सरकार। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो वो आप सब पॉइंट जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जैसे हमने डिस्कस करा कि योजना का निर्माण करना या नीति निर्माण करना, इसके बारे में हम देख चुके हैं। स्कूलों की व्यवस्था करना, अब स्कूलों की व्यवस्था करना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आया, हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना थी लेकिन उसमें हमें बताया गया था कि हर गाँव में एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा राज्य सरकार की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूलों की व्यवस्था करें, हर एक क्षेत्र के अंदर एक अच्छे ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हो जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो स्कूलों की व्यवस्था करना राज्य सरकार के कार्य है। प्रौढ़ शिक्षा, यहाँ पे स्पेलिंग गलती हुई है, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब बड़े लोगों भी अगर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनको भी शिक्षा की व्यवस्था रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ नहीं है, शिक्षा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको केवल बच्चे या फिर एक सीमित उम्र के लोग हासिल कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी शिक्षा हासिल करना चाहता है उसकी भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कोई 30-40-50 साल की एज में अगर कोई हाई स्कूल का फॉर्म भरे ना, वो भर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हाई स्कूल पढ़ सकता है, इंटरमीडिएट पढ़ सकता है। तो राज्य सरकार इसकी भी क्या करती है, व्यवस्था करती है। स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था करना, जैसा कि बात किया गया, स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था करना, किताबों के लिए, भोजन के लिए, लाइब्रेरी के लिए, फर्नीचर्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, तो इनके लिए धन की व्यवस्था, कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए इसके लिए धन की व्यवस्था कौन कार्य करता है, राज्य सरकार। सार्वभौमिक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, सरकारी स्कूलों में अक्सर निःशुल्क शिक्षा ही होती है, अनिवार्य शिक्षा कर देना, इस पर अभी भी काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम ही सही, लेकिन हाँ कुछ ऐसे परिवार जरूर हैं यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, छोटे उम्र में काम करना शुरू कर पाते हैं, हालांकि गरीबी भी एक ऐसा कारण हो सकता है, लेकिन मैं मतलब व्यक्तिगत मेरा ऐसा विचार है कि उनके काम करने से गरीबी कितनी दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ एक विकल्प तो है कि अगर पढ़ लिख एक अच्छा व्यक्ति बन, देखो पढ़ाई का क्या है ना, अगर कोई इंसान आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे लगता है कि चाहे किसी भी हालत में आप अपने बच्चे को ग्रेजुएशन तक तो जरूर लेके आएंगे, उसको पढ़ाएंगे जरूर। अच्छा होता क्या है एक्चुअली एजुकेशन से, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे दोस्तों से मिलते हैं, ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के विचारों को जानते हैं ना, कि वहाँ से आपकी एक सोच, एक आदत अलग हो जाती है, और आदत, इंसान की अगर आदत अच्छी हो जाए तो फिर वो इंसान जरूर सफल होता है। तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, ऐसी सोच, ऐसी कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलती है कि हमें एक अच्छी आदत का निर्माण करते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है। सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबके लिए शिक्षा हो।
अब यहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि कोई स्कूल भेदभाव करे जाति के नाम पे या फिर लिंग के नाम पे कि लड़का या लड़की, नहीं, सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो, अनिवार्य हो, सभी बच्चे पढ़े और निःशुल्क पढ़े, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अभिभावकों को प्रोत्साहन देना, मतलब उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करना, उनको थोड़ा सा एनकरेज करना कि अब पढ़ाएं। जैसे कि एक नारा आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके जरिए से, हालांकि ये केंद्र सरकार का नारा था, कि इसके जरिए हम क्या करते थे कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं लड़कियों को भी आपको पढ़ाना है। अभी भी मोस्टली अगर जैसे बेटे को अगर नीट की तैयारी करना है तो मोस्टली फैमिलीज भेज देते हैं जाओ तुम नीट की तैयारी करो, बेटी को नीट की तैयारी करना है या फिर बेटी को आईआईटी की तैयारी करना है, बेटी को एलएलबी की तैयारी करनी है, तो एक संकोच रहता है बहुत कम हद तक। ऐसा नहीं कि सारे परिवार को, अगर धन्य है आप लोग, आपके परिवार अच्छे हैं ऐसे भेजते हैं, मोस्टली भेजते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अभी भी भेदभाव है कि अगर उनको करना होता है तो एक बार संकोच होती है। तो इसीलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अभिभावकों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं, पता है ये एक हदीस है शायद, या फिर मतलब एक कथन है कि एक बेटे की जो शिक्षा होती है ना, बेटे की शिक्षा कहा जाता है कि जो अगर बेटा पढ़ लिख गया तो बेटे की शिक्षा घर के दरवाजे तक जाती है, लेकिन बेटी की शिक्षा ना नस्लों तक जाती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो पर्सनली, हालांकि बेटे बेटी में भेद नहीं है, दोनों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पर्सनली अगर आपके पास, मेरे साथ कभी ऐसा मौका मिले कि अगर बेटा या बेटी किसी एक को पढ़ाना, तो मैं पहले बेटे को पढ़ाऊंगा कि तुम पढ़ो, क्योंकि उसकी शिक्षा ना नस्लों तक जाती है। वो बेटी माँ बनती है, बच्चे माँ के साथ शुरू में ज्यादा संपर्क में रहते हैं, और अगर बाप पढ़ा लिखा हो तो कहीं एक हद तक बेटे की पढ़ाई को उतना ध्यान में नहीं रहता, लेकिन अगर बेटी एक बार पढ़ी लिखी हो, माँ अगर पढ़ी लिखी हो ना, तो वो बड़ा बच्चों को ध्यान देती है। ठीक है, तो बेटी को पढ़ाना चाहिए। चले, बातें ज्यादा हो रही है आई थिंक, चलो, सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा, अभिभावकों को प्रोत्साहन, ठीक है, तो आप सब भी पढ़ना जरूर। कुशल शिक्षकों की व्यवस्था, कुशल शिक्षक मतलब कौन, बिल्कुल आप जैसे, क्यों, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद जब जॉब लगेगी तो आपकी ट्रेनिंग होगी। कुशल शिक्षकों में ऐसे महाविद्यालयों का निर्माण करना जहाँ पे आपकी प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो, ठीक है, तो कुशल शिक्षकों का निर्माण करना, सॉरी व्यवस्था करना, इनको निर्माण नहीं कह सकता, व्यवस्था किया मतलब ट्रेन किया जा सकता है। तो कुशल शिक्षकों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अक्सर आपने देखा होगा स्कूलों में स्काउट गाइड, इस तरह के ट्रेनिंग, इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, कैंप लगाया जाता है, शिविर लगाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है कि सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है बच्चों, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के कार्य के लिए, राज्य सरकार की शिक्षा में भूमिका के लिए, कि वो शिक्षा में सैनिक शिक्षा की प्रावधान रखता है और बच्चों को सैनिक शिक्षा की प्रशिक्षण देता है। उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था, बेस्ट से बेस्ट बुक, अभी फिलहाल हमारे राजकीय विद्यालयों में एनसीईआरटी चलता है जो कि बेस्ट है, मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि वो बेस्ट है अन्य किताबों की तुलना में। तो उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, आप ऐसे कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया छात्रवृत्ति का, स्टेटस क्या है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार आएगी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ सही है, तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, समितियों तथा परिषदों का निर्माण करना, आयोगों की नियुक्ति करना। अब देखो यहाँ पे समिति तथा परिषदों का निर्माण करना मतलब इसको संचालन करने के लिए, जैसे कि स्कॉलरशिप आना है तो स्कॉलरशिप कैसे बांटी जाएगी, इसके लिए एक समिति का, परिषदों का निर्माण होता है कि जिला स्तर से वेरीफाई कराना, राज्य स्तर से वेरीफाई कराना, उसको चेक करना डॉक्यूमेंट से, तो एक समिति और परिषद बनाए जाते हैं जो सारे कार्य को चेक करते हैं, ना केवल स्कॉलरशिप, बस इसके अलावा भी शिक्षकों को सैलरी देनी है, किसको देनी है, कितनी देर लिए पुस्तक का वितरण हुआ, इस सभी के लिए क्या करना, समिति और परिषदों का निर्माण करना, आयोगों की नियुक्ति करना, समय समय पर आयोगों की नियुक्ति होती है, जैसे केंद्र सरकार की कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस तरह के आयोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं समय समय पर किसी की अध्यक्षता में, उन्हें सर्वे का अधिकार दिया जाता है कि आप सर्वे करिए शिक्षा में और किस प्रकार से सुधार किया सकता है, शिक्षा को किस हद तक और बेहतर बनाने की जरूरत है और कैसे इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हम आयोगों की नियुक्ति करते हैं और फिर उनके सुझाव से शिक्षा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, चलिए, शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन, अनुसंधान का मतलब जैसे एजुकेशनल रिसर्च जो होते हैं उसको प्रमोट करना, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है, कि बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें, ऐसा नहीं हो कि बस किताबें पढ़ते रह जा रहे हैं, अनुसंधान करके पढ़े, रिसर्च करके पढ़े, इस चीज़ को प्रोत्साहन देना, इस चीज़ को प्रमोट करना, इनकरेज करना, ये भी राज्य सरकार के कार्य है। दोस्तों ये सारे पॉइंट मैं आशा करता हूँ कि इन सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब देखिए कला ये है कि आप इस शब्दों के अंदर लिख कैसे रहे हैं, ठीक है, पॉइंट तो बहुत अच्छे आपके सामने रख दिए गए, लेकिन इस पॉइंट के अंदर लिखना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो
अगर आप स्वयं से लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अपने शब्दों में लिखिएगा। आइए मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा बहुत ही लाइटली एक्सप्लेन करता हुआ चलूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर आप इसको देखेंगे बहुत हद तक आपको फायदा होगा। अब देखिए कैसे शब्द बनाना है, यही आपकी असल तारीफ है। तो आइए जरा एक एक करके हम देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो जैसे पहला आपका पॉइंट क्या था, पहला आपका पॉइंट था राष्ट्रीय शिक्षा की योजना। ओके, तो देखिए इसको कैसे लिखना है, कैसे बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं। लिखा क्या है बच्चों, जनतांत्रिक व्यवस्था में राज्य शिक्षा राज्य सरकार की आत्मा होती है। शिक्षा जो है वो राज्य सरकार की आत्मा होती है, और ये मैं इस बात से सत्य है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अगर किसी राज्य सरकार के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर अगर शिक्षा खत्म हो गई, समझो कि राज्य सरकार की आत्मा खत्म हो, तो यहाँ पे लिखा गया कि राज्य सरकार में शिक्षा क्या है, उस राज्य की आत्मा होती है। प्रत्येक राज्य उच्च कोटि की शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं शिक्षा मंत्रियों में के परामर्श से अपनी तथा अपने निर्माणकर्ताओं की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार करते हैं। सर्वप्रथम वो शिक्षा के बारे में देखते हैं, शिक्षा हमारी बेहतर कैसे होनी चाहिए, ठीक है। यह योजना राज्य की संस्कृति तथा संस्कृति का प्रतीक होती है। इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक तत्वों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के तैयार हो जाने पर उसे इस प्रकार संचालित किया जाता है कि जाति पाति, रंग रूप, लिंग एवं आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर हर जात के लोग, हर समाज के लोग, सबके लिए शिक्षा, तो इन सबसे ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर प्राप्त हो जाए, ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करते हैं राज्य सरकार। तो देखा आपने, इस तरीके से आप शब्दों को बना दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर आप बना सकते हैं, मुझे बताया आप लोग अच्छे बनाते हैं पढ़ाई शब्दों को, तो आप इससे अच्छा बना सकते हैं। चलिए, स्कूलों की व्यवस्था करना, ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि नागरिकता का प्रशिक्षण आधुनिक युग की मांग है। इसीलिए अपनी तथा अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य प्राइमरी, माध्यमिक आदि विभिन्न प्रकार के स्कूलों की स्थापना करता है। वह इन स्कूलों का निर्माण या तो स्वयं करता है या अथवा स्थानीय संगठनों के अनेक प्रकार के स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। जिस समाज में अगर स्कूल नहीं खोल पा रहा है तो वैसे मोटिवेट करता है कि देखो सब कितना बेहतर है कि हर एक घर स्कूल हो जाए। अब मैं अभी की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो 90s के बच्चे हैं ना, लाइक 2000 से पहले, 95 से लेके, 95 के पहले की तो मेरी अनुभव भी नहीं है, 2000 के आसपास के मैं कह दूँ ना कि हर एक घर स्कूल हुआ करता था। शाम के समय 6 बजे लालटेन जला के चटाई पे चारों घर के सभी बच्चे, चारों तरफ चाचा के बेटे, कजन, सर, भाई बहन एक साथ बैठ के यह फिक्स हुआ करता था कि लालटेन बीच में है और आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। लालटेन नहीं तो मोमबत्ती ही सही, तू नहीं कोई और, लालटेन नहीं तो मोमबत्ती ही सही। पढ़ाई जरूर हुआ करती थी, हर घर एक विद्यालय हुआ करता था, ये मेरा अनुभव बता रहा है। अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि हर एक घर एक साइबर कैफे है, नेट है, वाईफाई है, वाईफाई नहीं भी हो फिर मोबाइल में इनफ नेट है, 4-5 मोबाइल है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। तो जो भी हो, हर एक घर अभी के दौर में मैं कह सकता हूँ कि एक साइबर कैफे है। लेकिन 20s के टाइम जैसे 19 के साथ जैसे जो मेरा अनुभव है 2000 के आसपास, 95 के बाद से 2005 तक की बात करूँ, मेरा जहाँ तक अनुभव है हर एक घर एक विद्यालय जरूर होता था, ये मेरा अनुभव है। तो जहाँ पे विद्यालय ना हो वहाँ पे विद्यालय की स्थापना करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अभी भी यार प्लीज अपने बच्चों को, मतलब जो भी घर के बच्चे, एक बार बैठा हो शाम के टाइम है ना, शाम के समय लालटेन तो है ही नहीं भाई, अभी तो लाइट है, अपने इन्वर्टर ऑन करो, लाइट ऑन करो, और एक फिक्स टाइम 6 बजे के बाद से डिनर से पहले 8 बजे तक, 8:30 बजे तक उनको बैठाओ पढ़ो। मतलब अच्छी बात है अगर घर के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही कम घरों के बच्चे फिक्स टाइम पर रेगुलरली कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है यार। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, मतलब बड़े लोगों की भी शिक्षा, ठीक है। इसमें लिखा गया कि जनतंत्र की सफलता शिक्षा के ऊपर निर्भर करती है, अतः प्रत्येक राज्य जहां एक और बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए आवश्यक विभिन्न आकार के स्कूलों की स्थापित करते हैं, वहीं दूसरी ओर अशिक्षित प्रौढ़ नागरिकों को, कुछ लोग जो शिक्षा नहीं हासिल कर पाए किसी मजबूरी की वजह से और उनकी एज अधिक हो गई है, तो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था करना, ठीक है, जैसे कि फर्नीचर का निर्माण करना, स्कूलों भवनों का निर्माण करना, किताबों को देना, ये सारी चीजें, इसके लिए धन का निर्माण करना राज्य सरकार की भूमिका। चलिए, सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा के बारे में तो ऑलरेडी बात की जा चुकी है, अगर आप कहते हैं तो इसके पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं, इसके बारे में तो बात की गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया गया, देखिए
जनतंत्र की सफलता ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों को भली प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। परंतु कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान उसी समय हो सकता है जब नागरिकों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास की उचित व्यवस्था हो। बात बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि आप अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को तभी जान सकते हैं जब आपके बौद्धिक और आपके मानसिक विकास की उचित व्यवस्था, जब आप अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, आपका मेंटल लेवल ठीक है, तभी आप अपने अधिकारों को जान पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बुरा नहीं मानना, इसीलिए अगर कभी भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अगर कोई भी हमला हो, मतलब वहां अगर किसी को खराब करना चाहिए, तो बस यूं समझिए ना, किसी को भी अगर गुलाम बनाना हो तो आप उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खराब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां से वो उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जब दिमाग डेवलप नहीं होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के बाद कम से कम आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई कितना जरूरी है, आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आपसे कोई पैसे नहीं मांग सकता, एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ। कई बार ऐसे कहा जाता है कि पुलिस वाले घूस लेते हैं, नहीं ले सकते भाई, आपको आपके अधिकार पता, नहीं ले सकते। किसी का भी पैसे की डिमांड हो, पैसा दो, रसीद दो, नहीं देगा तो समझ जाएगा सर, ठीक है, वो समझ जाएगा कि बंदा है, इसके अंदर कुछ है, कहेगा सॉरी जाइए आप, ठीक है। भले उसके बाद वो क्या करता है, लेकिन संविधान से बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी चीजें कब? जब आपको अपने अधिकारों को का ज्ञान हो, जब आप उसको समझते हैं। इसीलिए बच्चों, स्कूल क्या करते हैं, आपके बौद्धिक विकास करते हैं, आप अपने कर्तव्य को जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं। चलिए, अतः प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ निश्चित स्तर तक सार्वभौमिक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करता है। क्यों? अच्छा, क्यों जरूरी है बच्चों को पढ़ाना? मतलब 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा क्यों किया गया? अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? हो सकता है काम करेगा, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, उसको कितनी सैलरी लेनी है, कितना पैसा लेना है, इन चीजों का ज्ञान उसको कब होगा, ठीक है, अगर वो कुछ नहीं पढ़ा। हालांकि मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद चीजें कितनी आसान हो जाती है। इसीलिए सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा पर बहुत बल दिया गया अपने संविधान के अंदर, ठीक है। ये हो गई बात इस पॉइंट के अंतर्गत। चलिए, अभिभावकों को प्रोत्साहन, ठीक है, तरह तरह के शिविर निकालना, विज्ञापन देना रेडियो टेलीविजन के माध्यम से, उनको प्रमोट करना, ठीक है। कई बार छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है बच्चों को। इस तरीके से बच्चों और अभिभावकों दोनों को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। कुशल शिक्षकों की व्यवस्था करना, ट्रेनिंग स्कूल्स खोलना, और जैसे बीएड आप कॉलेज है, महाविद्यालय ऐसे निर्माण करना, तो इस प्रकार की नए नए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना जहाँ से अच्छे टीचर्स निकल सके। सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान युग संघर्षपूर्ण युग है, प्रत्येक नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वह शत्रु राज्य द्वारा किए गए आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करे। इस दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना परम आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने स्कूलों कॉलेजों में प्रत्येक बालक अपने राज्य को संकट से बचा सके, भारतीय स्कूलों तथा कॉलेजों में सैनिक शिक्षा की उचित प्रबंध है। आशा की जाती है सैनिक शिक्षा को प्राप्त करके हमारे बालक चीन तथा पाकिस्तान जैसे शत्रु राज्यों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा करेंगे। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है, मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने स्कूलों तथा कॉलेज में प्रत्येक बालक अपने राज्य को संकट से बचा सके, यहाँ पे बालक लिख के मैंने गलती कर दी। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक विद्यार्थी, और अगर आप बालक लिखते हैं तो लिखिए प्रत्येक बालक एवं बालिका, क्योंकि यहाँ से यह भाव उत्पन्न होता है कि केवल बालक ही रक्षा कर सकते हैं, बालिका नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बालक की जगह पे आप बालिका भी कर लीजिए, बालक एवं बालिका, या फिर वैसे है कि प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक नागरिक, ओके, ठीक। वैसे ही आशा की जाती है कि सैनिक शिक्षा प्राप्त करके हमारे बालक, नहीं बालक बालिका दोनों, हमारे विद्यार्थी, हमारे भी नागरिक चीन तथा पाकिस्तान जैसे शत्रु राज्यों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा कर सके, ठीक है। तो बालक की जगह बालिका कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था करना, राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, क्योंकि बहुत ऐसे साधनहीन अपितु प्रतिभा संपन्न बालक और बालिका है, साधनहीन है, पैसे नहीं है, लेकिन प्रतिभा है उनके अंतर्गत, जो आर्थिक कठिनाई के कारण उचित तथा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस दृष्टि से राज्य विभिन्न स्तरों पर प्रतिभा संपन्न बालकों को छात्रवृत्ति देता है तथा प्रशासनीय परीक्षा फल एवं उन्नति के लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा करता है।
इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करके साधनहीन बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा राज्य सरकारें जैसे कि हाई स्कूल पास लड़की को साइकिल देना, 30,000 रुपये देना, इस तरीके के स्कीम्स आते थे, अब नहीं आते ना। चलो यार नो कमेंट, वरना पॉलिटिकल का होगा कि यार तुम योगी और अखिलेश कर रहे हो, बट हाँ ये सही है कि राज्य सरकारों ने साइकिल बांटे हैं। अभी देखो स्मार्टफोन आया, टैबलेट आया, आपको मिला कि नहीं मिला? चलो ठीक है, नहीं मिला होगा, मिला होगा अच्छी बात है, लेकिन राज्य सरकारें ऐसे प्रोत्साहन पुरस्कार बांटती हैं, छात्रवृत्ति बांटती हैं। तो समितियों तथा परिषदों का निर्माण के बारे में लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम की रचना करने के लिए, स्कॉलरशिप के वितरण करने के लिए, इन सारे कार्यों के लिए एक समिति तथा परिषद की निर्माण की जाती है, ठीक है। आयोगों की नियुक्ति के बारे में बताया मैंने कि समय समय पर, जैसे यहाँ पे देखिए, शिक्षा के विभिन्न स्तरों में आए हुए दोषों को पता लगाना तथा उनमें सुधार हेतु परामर्श देने के लिए राज्य की प्रमुख कार्य है कि समय समय पर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों की अध्यक्षता में विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करे। भारतीय सरकार के माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग इसी दृष्टि से नियुक्त किए गए थे। आशा है कि भविष्य में ऐसे ही आयोग परामर्श द्वारा शिक्षा के विभिन्न समस्या को सुलझाया जाएगा। तो समय समय पर शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से दोष या कमी रह गई उसको पता लगाने के लिए, उसको हल करने के लिए समय समय पर किसी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के अध्यक्षता में हम क्या करते हैं, आयोगों का गठन करते हैं, हम नहीं, राज्य सरकारें करती हैं। चलिए ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन, रिसर्च सेंटर को प्रोत्साहन। वर्तमान युग अनुसंधान रिसर्च का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विदेशी राज्यों तो इतने शैक्षिक अनुसंधान हुए कि शिक्षा का कायापलट हो गया। इन अनुसंधानों के फलस्वरूप पुराने विचारों को समाप्त होता जा रहा है तथा नए आदर्शों एवं विधियों का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नए नए आदर्शों तथा विधियों के निर्माण हेतु शैक्षिक अनुसंधान पे बल देने की ओर क्या है, सतर्क हैं बच्चों। और ये शैक्षिक अनुसंधान के रिसर्च का ही देन है कि आप मुझे YouTube पे देख पा रहे हैं, आप मुझे अपने मोबाइल में देख पा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी एक रिसर्च का ही देन है, ठीक है बच्चों। अंततः अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, मुझे देखिए मैं बड़ा दिल से बना रहा था ये वीडियो को, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये अपने बातों के जरिए आप तक ये चीज़ों को पहुँचाऊँ ताकि आप इसको समझें और अपने आसान से शब्दों में लिखें। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बाकी मेहनत मेरा काम करना है, आप पसंद आई कि नहीं आई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही जेन्युइन फीडबैक आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मुझे नहीं आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो, और अच्छी लगी हुई वीडियो तो इतना कर दीजिएगा कि अपने कॉलेज ग्रुप में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में। तो बीएड के कॉलेज ग्रुप में शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, मैंने आप तक पहुंचा दिया। कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कैसी लगी वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से मुझे समझ आएगा कि हाँ चलो ठीक ठाक लगा बच्चों को, और मैं अगले वीडियोस को ऐसे ही बनाऊंगा। और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये जो सारा पीडीएफ है बच्चों, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट का फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल सके, वहाँ से ग्रुप से जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा इस पूरे पीडीएफ को। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सब बखैर, चलते हैं, बाय बाय। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो जय हिंद जय भारत, खुद पढ़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।